23 जून को जम्मू में मेगा रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह रविंदर रैना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को एक भव्य जनसभा को संबोधित करने के लिए जम्मू जाएंगे, जिस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने जम्मू में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। बैठक पीएम नरेंद्र मोदी के शासन में 9 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहे महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के सिलसिले में आयोजित की गई थी, जिसे बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, महासचिव संगठन अशोक कौर और महासचिव एंड विबोध गुप्ता, बैठक में चंद्र मोहन गुप्ता, श्यामलाल शर्मा, युद्धवीर सेठी, अरविंद गुप्ता, मुनीश शर्मा, राकेश महाजन, अरुण देव सिंह, परनीस महाजन, अभिजीत जसरोटिया, अंकुश महाजन, नीरज आनंद और वीर शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में बड़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। जम्मू संसदीय क्षेत्र में 23 जून को जम्मू शहर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रैलियों में आने और अमित शाह को सुनने के लिए जनता को लामबंद करने के लिए अधिक से अधिक समय देना होगा। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कौल ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिला है और वह जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रैली स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, जिसके लिए समय रहते उचित कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चल रहे महाजनसंपर्क ने पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता को चार्ज किया है और ऐसे में उनमें गजब का उत्साह है। वे पिछले 9 वर्षों के दौरान शुरू की गई नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करने के कार्य के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं। बैठक में विबोध गुप्ता ने मोदी सरकार के शानदार कार्यों को सार्वजनिक करते हुए कहा, पार्टी के पदाधिकारी को गृह मंत्री के जम्मू दौरे पर भी प्रकाश डालना चाहिए और जनता से आने वाले मंत्री को सुनने की अपील करनी चाहिए।